प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती यानी कि CHO भर्ती, दोस्तों आज हियरिंग होनी थी और पिछली जो हियरिंग थी उसका जो फैसला था 19 मार्च को आया था। 19 मार्च को कोर्ट ने दोस्तों 26 मार्च तक रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। आज फिर से हियरिंग हुई इस मामले की और इसमें जो अपडेट निकल के आया है बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी विद प्रूफ। आप लोग देखिएगा क्या कुछ कोर्ट ने कहा है और अब आगे क्या कुछ होना है इस भर्ती में और कब तक रिजल्ट की संभावनाएं बनती हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में। आइए दोस्तों जान लेते हैं पूरा का पूरा अपडेट। तो दोस्तों, ये जो केस था जिस पर हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया था वो पूजा माथुर का केस था, डॉटर ऑफ श्री नारायण माथुर का ये केस था दोस्तों। और इस पर 19 मार्च को स्टे दिया था कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर 26 मार्च तक का। तो पहली बात तो मैं बता दूं, अभी तक वो चीज़ें जारी हैं, इसमें रिजल्ट आज जारी नहीं होगा, अभी इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एडवोकेट कोमल जी के पास ये के इनका केस था। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जो इनके एडवोकेट थी कोमल जी, और इनसे अभी मैंने बात की है और इन्होंने ये जो पिछले फैसले थे वो भी भेज दिए थे इन्होंने। इसके लिए मैं कोमल एडवोकेट जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और ये इन्होंने अभी अभी भेजा है, देखिए आप लोग, व्हाट्सएप का मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग ध्यान नहीं देते और कई बार कहते हैं कि आप गलत बता रहे हो। ये पहले तो टुकड़े आप लोग देखिएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020 मामले में आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। विभाग की तरफ से स्टे हटाने की रिक्वेस्ट के साथ डायरेक्टर महोदय उपस्थित हुए। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की यहाँ पर डायरेक्टर महोदय ने कि जो स्टे है रिजल्ट का वो हटा दिया जाए। जज साहब ने इस पर क्या कहा कि 31 मार्च तक दोबारा ऑनलाइन व ऑफलाइन ग्रीवेंस लेने और 9 अप्रैल तक सभी जो ग्रीवेंस हैं, जो आपत्ति हैं अभ्यर्थियों की, उनका निस्तारण करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि 31 मार्च तक एक बार दोबारा से पोर्टल को ओपन करिए जो ग्रीवेंस का है, और उसमें दोनों ही तरीके से लीजिए, एक तो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो ग्रीवेंस है, जो आपत्ति है, दोबारा से लीजिए। और 9 अप्रैल तक जितनी भी आपत्तियां दर्ज होती हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, उन सब का निस्तारण यहाँ पर किया जाए और उसके बाद ही रिजल्ट जारी करने के इसमें आदेश दिए। इससे पहले रिजल्ट जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं। यानी कि आप दोस्तों, कहने का मतलब ये है 9 अप्रैल तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि 9 अप्रैल तक इन सारे ग्रीवेंस को निपटारा करें और उसके बाद रिजल्ट जारी करें। 31 मार्च तक दोबारा ऑनलाइन ऑफलाइन जो है आपत्तियाँ इसमें ली जाएंगी। कुछ OBC, NCL, EWS, MBC, NCL, RNC, PH सभी मामलों के निस्तारण के यहाँ पर आदेश यहाँ पे दिए हैं। एडवोकेट कोमल गिरी जी यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में इनका वकालत करती हैं और 4:34 पर ये मैसेज उन्होंने मुझे सेंड किया हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देख भी लिया होगा मैसेज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो है आप लोग देख सकते हैं। यानी कि अब दोस्तों 9 अप्रैल तक का कोर्ट ने समय दिया है कि 9 अप्रैल तक जो ग्रीवेंस वगैरह लेकर के और इन सभी आपत्तियों का निस्तारण करें, और 31 मार्च तक एक मौका और दें ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो ग्रीवेंस हैं, आपत्तियां हैं, उनको निस्तारण करने का। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों CHO भर्ती के लिए। अभी आप लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, बिल्कुल भी आप लोग चिंतित ना हो, निराश ना हो। निश्चित तौर पर ये जो कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं में भर्तियाँ उलझती हैं, कुछ विभागीय गलती, कुछ और गलतियां, तो इसी तरीके से होता रहा है लगातार, हर स्टेट की एक कहानी है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको लेकर के चिंता न करें, रिजल्ट जरूर आएगा। और 9 अप्रैल तक का इनको निस्तारण के लिए कहा है कोर्ट ने, कोर्ट जितनी जल्दी विभाग करेगा निस्तारण उतना जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। तो 9 अप्रैल तक तो उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें, आपका चैनल आपके साथ है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें CHO भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।